और एक अहम खबर, टोपी फेंकी, चश्मा तोड़ा, बेहोश होने तक मारा, मोब लिंचिंग में जिंदा बचे फरमान की दर्दनाक दास्तान। मोहम्मद फरमान नियाजी ने कहा, उन्होंने मुझे लात मारी, टोपी ट्रेन से नीचे फेंक दी, कपड़े फाड़ डाले, चश्मा भी तोड़ दिया और मुझे इस वक्त तक जदोकोब किया गया जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गया। मुल्क में जब से भगवा नज़रिया वाली बीजेपी हुकूमत आई है तब से मुसलमानों को मोब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है, और जब से मोदी हुकूमत की दूसरी मददकार शुरू हुई उस दिन के बाद से तो गोया मुसलमानों पर इस मुल्क की ज़मीन ही तंग करने की कोशिश की जा रही है। भगवा तंजीमों के गुंडे हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई भी इल्ज़ाम लगाकर बेगुनाहों को सिर्फ और सिर्फ इनके मजहब की बुना पर हजूमी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। गुज़स्ता चंद दिनों में झारखंड, हरियाणा, बिहार और बंगाल से मोब लिंचिंग में मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाए जाने और ज़ख्मी की ताब न लेकर उनके दम तोड़ देने की खबरें मंजर आम पर आई हैं। अब उत्तर प्रदेश से भी मोब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जिसमें मोहम्मद फरमान नियाजी नामी नौजवान को ट्रेन में जदकूब किया गया और बेहोश होने के बाद ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। खुशकिस्मती से मोब लिंचिंग के बावजूद फरमान जिंदा बच गए और अब उन्होंने अपनी लर्जा खेज दास्तान दुनिया के सामने रखी है। इस दास्तान को सुनकर हर जहनी शऊर शख्स का कलेजा मुंह को आता। मोहम्मद फरमान नियाजी उन चंद लोगों में से है जो भगवा दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद अपनी दास्तान अपनी ज़बानी सुनाने के लिए जिंदा बच गए। बरेली के एक मदरसा के तालिब इल्म फरमान दो रोज़ कबल अलीगढ़ से बरेली जा रहे थे। उस दौरान राजघाट नौरा स्टेशन से कुछ लोग ट्रेन पर सवार हुए और फरमान की टोपी और उनके ख़त को देखकर उन पर काबिल एतराज़ तबसरे करने लगे। इसके बाद वो गुंडा नासिर फरमान को बुरी तरह ज़दकूब करने लगे। फरमान नियाजी ने कहा, उन्होंने मुझे लात मारी और मेरी टोपी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ डाले और मेरे चश्मा को भी तोड़ दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी ट्रेन में मौजूद कोई मुसाफिर मुझे बचाने के लिए आगे नहीं आया। उनका मुझे ज़दकूब करने का सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब तक कि मैंने अपनी होश नहीं खो दिए। फरमान ने मज़ीद कहा कि जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को खैर इलाके में वाक़ एक गांव के बाहर लेटा हुआ पाया। इसके बाद मकामी लोगों ने मोहम्मद फरमान के आधार कार्ड और दीगर कागजात की तफसील की बुनियाद पर उन्हें अलीगढ़ की बस में बैठा दिया और उसके बाद वो वहां से अपनी मदरसे में वापस आ गए। मोहम्मद फरमान ने जुमरात के रोज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की और इस पूरे वाक़े का जिक्र किया। अलावा अजी उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। अलीगढ़ के एसपी अशोक कुमार ने कहा कि नियाजी की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। जवां में एक इस तरह की सूचना आई, राशिद नाम का एक लड़का, वो जवां क्षेत्र में एक हॉल्ट पड़ता है, वहाँ से ट्रेन में चढ़ा था और राजघाट और संभल में बबरौला एक जगह पड़ती है, दोनों के बीच में कहीं पर कुछ लड़के उसके साथ चढ़े, उसके साथ मारपीट किया। उसका कहना है शायद कि उसे कुछ बेहोश कर दिया और वो उसे अगले दिन कहीं और होश आया, तो इस संबंध में उसे उनसे तहरीर ली जा रही है और आवश्यक कार्रवाई।